ट्रंप ने ठुकराया मोदी का न्योता, गणतंत्र दिवस पर आने से किया मना, अब भारत को मिला ट्रंप का रिप्लेसमेंट। नमस्कार, मैं हूं कविता। गणतंत्र दिवस भारत की आन बान शान का वो दिन जब लहराता है तीनों सेनाओं की ताकत का परचम। इस मौके पर हर साल खास मेहमानों को बुलाने की परंपरा रही है। अतिथि देवो भव पर चलने वाला भारत हर साल दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को न्योता भेजता है ताकि वो लोग बतौर अतिथि गणतंत्र दिवस में शिरकत कर सके। आजादी के बाद से ये परंपरा अब तक चली आ रही है। आजाद भारत ने जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया तो उस वक्त इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो अतिथि बने। साल 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शिरकत की। 2016 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोस होलैंड पधारे। वहीं पिछले साल अबुधाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहान चीफ गेस्ट बने। इस बार जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गणतंत्र दिवस में बतौर अतिथि आने का न्योता दिया तो व्हाइट हाउस ने निमंत्रण ही ठुकरा दिया। लेकिन अब भारत को ट्रंप का रिप्लेसमेंट मिल गया है। अब तक जिन तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम पर विचार किया जा रहा था उनमें अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा का नाम सबसे आगे उभर कर आया है। एनएमएफ न्यूज तो इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार ट्रंप को किसी और ने नहीं बल्कि साइरिल रामाफोसा ने रिप्लेस किया है। माना जा रहा है कि इस गणतंत्र दिवस बतौर अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ही शामिल होंगे। देशों दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।